सबसे पहले आप लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए, और टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लोग अपने टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे, और जैसा जैसा इस टेक्स्ट फाइल में लिखा है सेम टू सेम वैसा वैसा करते जाएंगे, ठीक है। अभी टेक्स्ट फाइल में सबसे जो पहला कमांड है वो है भाई एपीटी अपडेट करना। ये काम लोग भूल जाते हैं, ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा पैकेज है जो कि भाई अपडेट नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग एपीटी अपडेट करके वो सारे पैकेजेस को अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने भी एपीटी अपडेट स्टार्ट कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा एपीटी अपडेट बहुत ही अच्छे से हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो स्टेप नंबर वन है वो कह रहा है कि भैया आपको आपके काले लिनक्स के अंदर ना जावा 11 इंस्टॉल करना है। जावा 11 हम लोग क्यों इंस्टॉल करेंगे, ये काम आता है डीकम्पाइल करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और साइन करने के लिए। तो हम लोगों को जावा 11 बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। उसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखिए कमांड दिया गया है, आपको सिंपल से इस कमांड को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देना है पेस्ट, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो जावा 11 है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो मैं वेट करता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो करके, इंस्टॉल हो करके पूरी तरीके से सेटअप ना हो जाए। तो बहुत बढ़िया, अभी आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि जो हमारा जावा 11 था वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो स्टेप 1.2 है ये बोलता है कि आपको जावा का वर्जन चेंज करना है। बट जावा का वर्जन चेंज करने से भी पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे काले लिनक्स के अंदर एक ही जावा पड़ा है या फिर एक से ज़्यादा जावा पड़ा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मैं सिंपल से क्या करता हूँ, ये जो स्टेप 1.3 वाला कमांड है ना, जावा वर्जन, ये कमांड मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये कमांड हमारी हेल्प करता है हमारे काले लिनक्स के अंदर कौन सा जावा का वर्जन पड़ा है ये जानने में, ठीक है। मैंने सिंपल से इसको पेस्ट किया, और अभी मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये बोल रहा है कि आपका जो काले लिनक्स है ना उसके अंदर तो भाई जावा का 17 वाला वर्जन पड़ा है। बट आप सोच रहे होगे कि यार मैंने अभी तो जावा 11 को इंस्टॉल किया, यहाँ पे जावा 17 क्यों दिखा रहा है। दरअसल आपके भी काले लिनक्स में अगर ऐसा आ रहा हो, आपने जावा 11 को इंस्टॉल किया बट यहाँ पे 17 दिखा रहा हो, तो ऐसा समझिएगा कि आपके काले लिनक्स के अंदर जावा 11 भी इंस्टॉल है, जावा 17 भी इंस्टॉल है। अब आपको बस वहाँ पे सेटअप बनाना है कि भैया हमारा जो काले लिनक्स है वो जावा 17 को छोड़ करके जावा 11 को यूज़ करें। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो 1.2 वाला कमांड है इस कमांड को कर लेना है कॉपी। ओके, मैंने इसको किया कॉपी, और मैं सिंपल से यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे आप पेस्ट करोगे यहाँ पे ये पूछेगा कि भैया आपके कंप्यूटर में तो भाई एक से ज़्यादा जावा इंस्टॉल है, आपको कौन सा चालू करना है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे नंबर देखना है, 0 नंबर पे कौन सा है जावा 17, 1 नंबर पे कौन सा है जावा 11, और 2 नंबर पे कौन सा है जावा 17। आप में ये दूसरा हो सकता है, ऊपर नीचे भी नंबर हो सकते हैं, आप अपने हिसाब का नंबर देखिए, ठीक है। तो जावा 11 जिस भी नंबर पे होगा ना, मुझे क्या करना है वो नंबर यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और 1 लिखने के बाद मैं सिंपल से एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने एंटर कर दिया ना, मेरा जो जावा का वर्जन था वो सेटअप हो गया है जावा 11 पे। आइए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग वही लास्ट वाला कमांड यहाँ पे दोबारा डालेंगे, जावा वर्जन वाला, और इसको मैंने एंटर किया। और एंटर करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जावा का 11 वाला वर्जन शो हो रहा है। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोज पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।